सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओटू आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स देखते हैं मंथली, और लास्ट में उसमें आपकी एक मैगजीन आती है जो टेलीग्राम पे आपको मिलती है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं फेब्रुवरी के पहले 15 दिनों में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाएं जो कि न्यूज़ में रहे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिंस आपका एलाइड आने वाला है, एचएस की नोटिफिकेशन आने वाली है और सस्पेक्टेड है कि एक दो एग्जाम्स और आएंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। जैसे कि आपके कुछ न्यूज़ देख लीजिए, गोची फेस्टिवल मनाया गया, फागली फेस्टिवल मनाया गया, तो इस तरीके से कल्चर जो है वो भी आपका साथ साथ में कवर हो जाता है। फेयर एंड फेस्टिवल है। फिर जैसे ये है, आपकी एक हायर एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट आई है कि हिमाचल में जो एनरोलमेंट है लड़कियों का वो कॉलेज में ज़्यादा है, लड़कों से भी ज़्यादा है, तो इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हिमाचल में पहला स्पेस लैब बनाया गया, मैक्लोडगंज में लोसर फेस्टिवल मना रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ अवार्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यही मैं प्रिलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको बताती जाऊंगी। कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो नंबर्स आपके पास में अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक नया कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं 11th of March से। सो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट O2IS Academy। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हिमाचल जीके से, और मैं आपको आगे कुछ मैप्स भी दिखा दूंगी कि किस तरीके के मैप्स हम लोग ने बनाए हैं। इस बार कुछ नया करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले अपने फेस्टिवल से, जो कि है गोची फेस्टिवल। पिछली बार कल्चर से क्वेश्चन नहीं आया था एचएस में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है, क्योंकि अगर उन्होंने इस बार कल्चर ही कल्चर डाल दिया फिर भी हम लोग फंस जाएंगे ना। तो गोची फेस्टिवल जो है ये बेसिकली लाहौल स्पीति की कुछ वैलीज में मनाया जाता है, जहां पर पिछले एक साल में किसी के भी घर पे लड़का पैदा हुआ है, तो वहां पे पोजेशन निकाला जाता है। सुबह उठ जाते हैं जल्दी, एक पुडिंग बनाई जाती है, और क्या करते हैं इसमें सत्तू जो है उससे शिवलिंग बनाया जाता है, और उस शिवलिंग की जो है वो पूजा की जाती है। सो यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें। यहाँ पर एक डांस फॉर्म किया जाता है जिसको कहते हैं थोडो। थोडो क्या है? तीर कमान। आगे दिखा देती हूँ। तीर कमान जो है कुछ इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ डांस यहाँ पर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? थोडो कहते हैं। बस यहाँ पे यही पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आते भी है तो सबसे पहली बात 40 वर्ड्स में आते हैं मेंस में। अगर प्रीलिम्स में आते हैं तो डायरेक्टली पूछते हैं कि गाहर वैली जो है वो कहाँ पर है, तो लाहौल स्पीति की सारी ही वैलीज आपको याद होनी चाहिए। चंद्रा वैली, भागा वैली, फिर आती है आपकी चेनाब वैली जिसको पत्तन वैली भी कहते हैं, फिर आपकी लिंगटी वैली है, स्पीति वैली है, ढेर सारी वैलीज हिमाचल में, स्पेशली ये आपका लाहौल वाला एरिया जो है यहाँ पर है, जिनमें से एक है गाहर वैली। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये जो रिपोर्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, अब ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। अभी हमारे पास में जो आपका 21-22 है उसका डेटा यहाँ पर आया है। इसमें हमने देखा कि जो हिमाचल है यहाँ पर ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है वो ऑल इंडिया एवरेज से भी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर एनरोल करते हैं आपके कॉलेजेस में। तो आप जैसे देख भी सकते हो, ये हमारा यहाँ पर है जेंडर एनरोलमेंट रेशो, और फिर अगर आप देखोगे तो मेल्स का 37.3 है, वेयर एज 49.7% जो है इसमें से फीमेल्स का है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आपके जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहाँ पर एनरोल कर रही हैं। अब ये जो है नया ट्रेंड है, यहाँ पर आपका एक सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि अगर कुछ साल पहले की अगर बात करो तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे, लड़कियों को सबसे पहले दूर भेजना होता है, सेफ्टी का इशू हो जाता है। फिर अगर बहुत सारे लड़के हैं तो ऑब्वियसली बात है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि अच्छा रहेगा कि ये लोग जो हैं अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेजेस में जाएँ, लड़कियाँ नहीं भी जाएंगी तो भी चलेगा। फिर आता है कि घर के काम है करने के लिए, तो इस तरीके से बड़े सारे इश्यूज जो हैं कुछ सालों पहले आया करते थे। वक्त के साथ क्या हुआ कि हिमाचल में काफ़ी सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुल गए, अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि घर के पास में ही कॉलेज है, तो अब जो है पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर लड़के को पढ़ा रहे हैं तो लड़की को भी पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन जो है उसको यहाँ पर हम लोग देंगे, और जो जेंडर वाला इशू है वो धीरे धीरे गायब होने लग पड़ा है। अगर इसमें अच्छा खासा रोल अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, हिमाचल में देर आर 47 कॉलेजेस पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, यानी कि देर आर गुड कॉलेजेस जहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए इजी ले जा सकते हैं, तो एनरोलमेंट उनका अच्छा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट है कर्नल सपना राणा।
ये सोलन की हैं, ये हिमाचल की पहली महिला बनी हैं जो कि आपकी विमेन कमांडिंग ऑफिसर जो बटालियन है उसको लीड करने के लिए यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर बनी थी, राइट। बस थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया बडिंग साइंटिस्ट एक्सप्लोर हिमाचल का पहला स्पेस लैब। स्पेस लैब जो है इसके बारे में प्री के लिए याद रखना है कि ये बॉयज स्कूल घुमारवी में है। दूसरी चीज, ये कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है, तो उसका नाम है युविका। युविका प्रोग्राम है एक जो कि इसरो का है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि वही बच्चों को जो है एजुकेट करते हैं स्कूल एज के, कि डॉक्टर्स हैं आपके, इंजीनियर्स हैं और टीचर हैं, ये सारे लोग जो हैं ये बनते हैं, ये भी प्रोफेशन है, लेकिन इसके साथ में एक साइंटिफिक टेम्परमेंट जो है उसको बिल्ड किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये आपका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जिसको हम लोग युविका प्रोग्राम भी बोलते हैं। किसके द्वारा ये यहाँ पर चलाया जाता है, तो इसरो के द्वारा है। बच्चों में साइंटिफिक टेम्परमेंट लाने की बात करते हैं, और अगर युविका जो ये इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म देखे तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम यहाँ पर इसका नाम है। बेसिक स्पेस टेक के बारे में ये बच्चों को बताते हैं। ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ ये अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। पिछले एक साल के कंपाइल किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन, तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज आ जाती है लोसर जो है सेलिब्रेशन। लोसर क्या है, मैं हर साल पढ़ाती हूँ। लोसर नया साल है, जैसे हिंदू जो आपका कैलेंडर है उसके हिसाब से जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो हमारा नया साल शुरू होता है, वैसे जो दूसरा कैलेंडर है उसके 1 जनवरी है, वैसे ही जो लोसर है जो तिब्बतियन कैलेंडर है वो अलग है, उसका जो पहला दिन होता है या न्यू ईयर होता है उसको हम लोग लोसर कहते हैं। तो लोसर अब लॉर्डगंज में क्यों मनाया जा रहा है, तो वहां पे जो दलाई लामा है वो तिब्बत से आ गए थे आपके 1960 में, और उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी, रिफ्यूजी वो यहाँ पर रह गए और यहीं रह गए। जो अभी वाले जो दलाई लामा है उनका नाम है टेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा तिब्बतियन वहाँ पर पॉपुलेशन रह रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो अपने ऐसे फेस्टिवल्स भी वहाँ पे मनाते हैं, और उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें लाइक सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स जो है चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल है फागली फेस्टिवल। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तब तो आपको वहाँ पे ये देखने को मिल ही जाता है। तो कहाँ पर ये मनाते हैं, ये आपका लाहौल आ गया, और इस तरीके से यहाँ पे कुल्लू है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, इस वाले एरिया में ये फागली फेस्टिवल मनाया जाता है, लाइक पार्ट्स ऑफ कुल्लू एज वेल एज लाहौल एंड स्पीति। यहाँ पर क्या है, वही अगेन अपने कल्चर को इस तरीके से ये वाला डांस जो है हमें देखने को मिलता है, इसको लोकली लोग कुंज भी कहते हैं, तो इसको कुंज फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसमें और बहुत सारी बारीकियां हैं अगर पढ़ने में जाओगे कि ये भी बनाते हैं, ये भी खाते हैं, ऐसी पूजा की जाती है, डिटेल में जाने में बहुत डिटेल में भी जाया जा सकता है, लेकिन इतना सा काफी है अगर आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है। कि हम लोग जो है आने वाले नए साल के लिए यहाँ पर प्रे करते हैं, स्प्रिंग के लिए जो है प्रेयर्स की जाती हैं, बस इतना सा काफी रहता है, वरना डिटेल में कल्चर है, छोटी छोटी थुप्पा बनाते हैं ऐसे से करके बड़ी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सिरमौर स्कूल टू गेट विप्रो अर्थ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। तो सिरमौर का एक स्कूल है सेन वाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये इसको यहाँ पर एक अवार्ड दिया जा रहा है, बस इतना सा याद रख। नेक्स्ट आ गया सोलन के दीक्षांत शर्मा को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड दिया गया 2024 का। सबसे पहले ये अवार्ड कौन देता है, ये अवार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया, जिसको नीति आयोग ने सर्टिफाई किया है, ये देते हैं। क्यों देते हैं कि जिस भी एरिया में जहाँ पर सोशल चेंज के लिए कोई भी एफर्ट जब भी कोई करता है तो उनको ये देते हैं, कोई भी सोशल इविल के अगेंस्ट है या सोशल सर्विस में कोई लीडिंग रोल है। तो ये जो दीक्षांत शर्मा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि जब भी आपका लॉकडाउन था तो हमने क्या देखा कि सब बच्चे जो हैं अपने फोन पे पढ़ते थे, और उसके बाद में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, तो डिजिटल लिटरेसी का ये एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया जिसमें इन्होंने बहुत सारे बच्चों को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हो गए, इंटरनेट यूजेज है उसके बारे में बताया। तो अगेन इट वॉज मच नीड ऑफ द आर, तो इसी के लिए इनको यहाँ पर ये प्रेरणा दूत अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है हमारी वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो आपके फॉरेस्ट हैं दे आर नोन एज दी लंग्स ऑफ दी अर्थ, वैसे ही वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ दी अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक चीज को वहां पर प्योरीफाई करते हैं, या हम कह सकते हैं उसको प्रोसेस करते हैं।
तो इस वाले टाइम पे जो है ये वो वाला टाइम है फेब्रुवरी वाला, जब हमारे पास में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं हिमाचल में, उसमें से भी तीन रामसार साइट्स हैं, पोंग डैम है, रेणुका लेक है और चंद्रताल है। तो इनमें बहुत सारी बर्ड्स आती हैं बाहर से, रशिया, मंगोलिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया। तो इनका सर्वे किया जाता है, एक सेंसस किया जाता है कि हर साल हमें पता चलता रहे कि कितनी स्पीशीज आती है, कितने बर्ड्स आते हैं। इस साल क्या है कि जो पोंग डैम आपका वेटलैंड है वहां पर देखा गया कि कंपैरिजन में कम बर्ड्स आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 83,555, जबकि पिछले साल जो है आपके 1,17,000 कुछ इतने बर्ड्स थे। स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें आ जाती है आपकी यूरेशियन कूट, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन टील, ये बड़े सुंदर सुंदर से बर्ड्स रहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि ये कम है इस साल कंपैरिजन में, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ें देखी, ठंड जो है बर्फ नहीं पड़ी प्रॉपर, देन टेम्परेचर जो है वो कंपैरिजन में हाई रहे, इस तरीके से जो क्लाइमेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे, तो उसका असर हमें माइग्रेशन में भी देखने को मिला। एज आई टोल्ड यू, ये एक रामसार साइट है पोंग डैम, और कौन सी रिवर पे है, बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि करंट अफेयर्स हैं तो ऑलरेडी आपको चीज़ें कुछ पता है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया करूँगी। ठीक है, तो रामसर साइट है ये, और यहाँ पर सेंट्रल एशिया, रशिया, साइबेरिया, ये यहाँ से काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं वो आपके आते हैं। इस साल कम थे, डिलेड माइग्रेशन था, वार्म विंटर्स थे, डिलेड स्नोफॉल, डिलेड क्या, कम बहुत ही कम पड़ा इस बार तो स्नोफॉल, तो टेम्परेचर में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में मैंने आपको बताया कि दे आर नोन एज द किडनीज, एंड 2 फरवरी को हम लोग ये दिन मनाते हैं। और आपका इस साल का जो थीम है वो भी याद कर लेना है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल के आंसर्स में आपको हेल्प करेगा, ये तो हर जगह, वेटलैंड जो है ये क्लाइमेट चेंज है वो हर जगह प्रॉब्लम है, तो ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, याद कर लेना है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। फिर कि हिमाचल में कितने वेटलैंड्स हैं, इसमें से सिर्फ एक पोंग डैम है जो कि 2002 में रामसार साइट बना, ये जो है आपके 2005 में रामसार साइट बना, और रेणुका जी भी 2005 में रामसार साइट बना। ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हमने यहाँ पर सेव करते हैं हम लोग, या अलग अलग इसके लिए रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सेम वे आपका जो ऊना वेटलैंड है, अभी ऊना में कौन सा वेटलैंड हो गया, जो गोविंद सागर लेक है ना वो ऐसे है यहाँ, जैसे वो बिलासपुर और ऊना दोनों के बीच में है, तो जब हम ये बात करें तो हम गोविंद सागर लेक की ही बात करें, उसी वेटलैंड की बात कर रहे हैं जहाँ पर बड़े सारे ये आपके एनिमल्स आते हैं। ये है आपकी रेडी रेडी शेल्डक बोलते हैं इसको, बोलते हैं शायद रेडी शेल्डक, ये पेंटेड स्टॉर्क है, ये ब्लैक स्टॉर्क है। तो ऐसे बड़े सारे एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स नहीं बर्ड्स वहाँ पर आते हैं, कजाकिस्तान, तिब्बत, देन आपका मंगोलिया, रशिया, माइग्रेट करके ये बर्ड्स आते हैं। ये भी यहाँ पर इस बार कम रहे कंपैरिजन में, लेकिन काफ़ी सारे और स्पीशीज भी यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि आपका ये कॉर्मोरेंट है, ये हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से आता है और ये भी इस बार यहाँ पर देखा गया। तो लोग आसपास के जो लोकल्स हैं उनमें अवेयरनेस जताई जाती है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, और हमें जो है ये बैलेंस यहाँ पर बना के रखना है, तो आपके जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। इसी के लिए हमने हिमाचल प्रदेश की स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई हुई है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। बेसिक्स हैं हिमकॉस्ट, हिमकॉस्ट तो पता ही है, हिमाचल प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा डिपार्टमेंट है। इन्होंने ये जो आपकी वेटलैंड अथॉरिटी है 2017 में इसकी स्थापना की थी। काम क्या होगा, जैसा इसका नाम है कि ये वेटलैंड्स को मैनेज करते हैं, यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शंस हो गए वो लेते हैं यहाँ पर। फिर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ में कलेबरेट करते हैं, लोगों में अवेयरनेस लेकर आते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गया हमारा, वेस्ट डंपिंग इन हिमाचल इको सेंसिटिव एरिया। अब ये इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जो इकोलॉजिकली फ्रैजाइल है, उसके आसपास के एरिया में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको बैन किया जाता है। तो यहाँ पर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर यहाँ पर उसको नोटिस इशू किया है कि यहाँ पर एक एरिया है जिसका नाम है कोकसर, है ना, कोकसर पिछले साल भी पेपर में आया था कि यहाँ पर ना आपका जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टूरिस्ट की वजह से भी है, बाकी जो डंपिंग है वेस्ट की वो भी यहाँ पर की जा रही है, और ये सारा आपका इको सेंसिटिव जोन है। इनफैक्ट इसको एक्सट्रीमली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बोला गया, इतनी ज़्यादा हाइट पे है, महीनों तक जमा रहता है। अब क्या होता है,
जैसे कोई भी तरीके का डिग्रेडेशन है वो क्या होता है, तब होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिग्रेड करता है। अब हिमाचल में जो है सबसे पहले टेम्परेचर ही कम रहते हैं, फिर ऐसी स्पेसिफिक जगह पे आपकी स्नोफॉल हो जाता है और वो 7-8 महीने के लिए वैसे ही वहाँ पर बंद हो जाता है, लाइक जम जाता है। तो इसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है उस डिग्रेड जो डिग्रेड करने की बात कर रहे हैं हम लोग किसी भी तरीके के वेस्ट को। फिर उसके साथ में जो प्लास्टिक है वो तो फिर अलग चीज़ है, वो तो कहाँ ही डिग्रेड होगा। तो इसके लिए एनजीटी ने यहाँ पर ये आपका नोटिस भेजा है कि इसको मैनेज किया जाए। पिछले साल या उससे पिछले साल कोक्सर के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, प्रीलिम्स में एचएस में आया था, एक स्टेटमेंट था कि ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट विलेज है और यहाँ से ट्रेड भी किया जाता था, तो ये आपका कोक्सर। नेक्स्ट आ गया डिजास्टर मिटिगेशन एक्शन प्लान फॉर हिमाचल नीडेड फॉर ऑफ एन आर। ये मैं पिछले 6 महीने से हर बार पढ़ा रही हूँ, तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। बेसिक आइडिया इसका ये है, पुरानी वाली वीडियोस देख लेनी है, नहीं तो इसमें यही बात करें हम लोग कि हिमाचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे हर चीज़ आ सकती है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, यहाँ पे एवलांच आ सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, जो कि पिछले साल हम लोग ने देखा भी। तो इसके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, जो सरकारें हैं वो इसको बैक स्विच पे रखती हैं कि जब होगा तो देखा जाएगा टाइप। ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे नीड ऑफ एन आर है और प्रॉपर लॉज यहाँ पर बने होने चाहिए और एक हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। इनफैक्ट उससे पहले भी हम लोग के पास में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वाला हिसाब किताब होना चाहिए कि जब ऐसा होने वाला हो तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा गैप मिल जाए जहां पर लाइक जिसे हमें पता चले कि ऐसा कुछ होने वाला है। डिजास्टर मिटिगेशन एक्शन प्लान ये खुद आप लोग पढ़ेंगे, आपकी मैगजीन में भी है, ये वही चीजें हैं अगेन, पर पेपर जब आता है तो ये क्वेश्चन अलग से वहां पर होता है, तो ये करने की जरूरत। सो नेक्स्ट न्यूज आ गया हमारा, 24 करोड़ जो है वो पोंग डैम वेटलैंड में एक टूरिज्म प्रोजेक्ट को दिए जा रहे हैं। किसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है, वो है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये इसका दूसरा फेज आया है जिसमें पैसे दिए गए हैं। ये स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्कीम क्या है, 2014-15 में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाए गए थे, यानी कि जैसे कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है तो वो बुद्धिस्ट सर्किट जो है वो घूम सकता है। टूरिज्म के लिए बेसिकली बनाए गए थे, अलग अलग एक्टिविटीज इसमें हैं, प्रॉपर जैसे बस सर्विसेज हो गई वो इन सर्किट्स को कनेक्ट करती हैं। इसी में आपके कोस्टल सर्किट आ गया, डेजर्ट है, और उसमें से हिमाचल जो है जिसका पार्ट था वो था हिमालयन सर्किट। तो इसी का अभी जो सेकेंड फेज है वो आ गया है और इसमें ही जो आपका वेटलैंड है पोंग डैम वहां पे भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे आए, राइट। नेक्स्ट है डंपिंग यार्ड टर्न इनटू टूरिस्ट स्पॉट इन पोंटा। अब पोंटा साहेब या आपका ये जो सिरमौर है, यहाँ से यमुना ऐसे होके गुजरती है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से आती हैं। यमुना के किनारे बहुत सारा वेस्ट जो है वो डंप किया जाता था, बहुत 2002 में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिली, 2002 से 22 के बीच में जो है इश्यूज यहाँ पर रहे। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक फुटबैक लिया कि हम लोग यहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, लेकिन बनाएं कैसे, जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जैसे आपकी बर्ड वॉचिंग हो गई, देन रिक्रिएशनल पार्क्स हो गए, ट्रेल्स वगैरह वो बनाएंगे, तो वैसा वाला हम सब कुछ करेंगे। तो जो पार्क है वहाँ पर अब हम लोग सोच रहे हैं कि मियावाकी जोन बनाया जाएगा। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो ये है क्या, बेसिकली एक जंगल को उगते हुए बहुत साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं। ये जो मियावाकी टेक्निक है, मेथड है, इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में छोटे छोटे फॉरेस्ट जो हैं वो उगाए जाते हैं। किसने ये यहाँ पर इसके किसके नाम पर ये है, तो जैपनीज एक बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके नाम पर इसको इन्वेंट यहाँ पर किया गया है। तो सेम वे हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि जो आपका सिरमौर है वहाँ पर भी हम लोग नेटिव ट्रीज को लगाएं, स्टोरी ऑफ यमुना सेक्शन जो है उसको यहाँ पर कहा जाएगा। तो इसके जो भी डंपिंग साइट्स हैं उनको यहाँ पर रिवाइव करेंगे। नेक्स्ट आ गया 20 हेरिटेज ट्रीज फेल इन धर्मशाला फॉर स्मार्ट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। ये बेसिकली स्पीशी है यहाँ पर एक प्लांट की जिसका नाम है जकरांदा। तो बड़े खूबसूरत पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कि हम लोगों ने वही वो जो वाइड करना है रोड्स को, उसके चक्कर में बड़े सारे पुराने ये जो हेरिटेज ट्रीज थे इनको यहाँ पर जो है गिरा दिया गया। इसी के ऊपर ये बात कर रहा है कि अभी अगर हम लोग देखें तो स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में बड़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम लोग हटा रहे हैं, हमारे बहुत पुराने पेड़ हैं। ये अगर आप जानते हो तो ये है कैथ, कैथ
कैंथ बोलते हैं इसको, बड़ा टेस्टी होता है, लोकल लोग तो खाते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर बड़े हुए हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो ऐसी लोकल चीज़ें जो हैं वो हटा के स्मार्ट सिटी हम लोग बना रहे हैं, विच इज़ लाइक जो कि बैलेंस क्रिएट करना नहीं है, इससे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया ट्यूलिप गार्डन, पालमपुर में खोला जा रहा है। ट्यूलिप बड़े खूबसूरत से महंगे फूल होते हैं, और ये जितना भी न्यूज़ है ये आप जब पढ़ोगे तो इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि ये सिर्फ हम ट्यूलिप की बात करें, ये फ्लारी कल्चर की बात हो रही है। फ्लारी कल्चर का मतलब है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से जो ये आपका फूल है इनसे हम लोग अपनी आजीविका जो है कमा सकते हैं, इससे जो फार्मर्स हैं वो अपनी इनकम को रेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उगा भी रहे हैं, फूलों की मंडी हम लोग ने परमाणु में बनाई हुई है, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ट्यूलिप गार्डन्स हटा दो, फ्लारी कल्चर की क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन रहती है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। एक जो फूल है उसका हर एक पार्ट बेचा जा सकता है, अगर आप उसको फूल गमले में बेचना चाहते हो वैसे बिक जाता है, काट के बेचना चाहते हो वैसे बिक जाता है, सिर्फ सीड सीड बेचना है वो अलग है, अगर सिर्फ उसके पत्ते पत्तों से आगे परफ्यूम इंडस्ट्री में उसको भेजना है तो डिफरेंट हो जाता है। फिर आपका इसमें साथ में साइंटिफिक टूरिज्म, जहाँ पे हम लोग रिसर्च करेंगे, वो भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये हम लोग फ्लारी कल्चर की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जर्मन की एक टीम आई है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखने के लिए। आसान भाषा में बता देती हूँ क्या है कि जर्मन का एक बैंक है KfW, इन्होंने यहाँ पर जो आपका कांगड़ा वाला एरिया है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जहाँ पर वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप करते हैं कि किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं, वो सारा सब कुछ किया जाता है। तो एक प्रोजेक्ट है बेसिकली। अब क्या है, टाइम टू टाइम यहाँ पर टीम्स आती हैं इंस्पेक्ट करने के लिए कि उनका जो पैसा है वो किस तरीके से यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि ये बाहर की कंपनी, जैसे हम लोग बहुत सुनते हैं शिवालिक्स में शिवा प्रोजेक्ट चल रहा है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बैंक हो गया, फिर आपका वर्ल्ड बैंक तो चलो फिर भी है, ये सारे लोग जो हैं हिमाचल में पैसा क्यों लगा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, इनको क्या फायदा है कि हमारे पास में ये फॉरेस्ट जो है वो बन जाएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, याद करने के अलावा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए, तो ये कमेंट करके बताना। फिर आ गया आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर लाइफ स्टॉक इन हिमाचल। हमारे पास में बहुत सारे जानवर होते हैं, गाय भेड़ बकरियां, इनको इनकी इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड करता है। अभी इसको इंट्रोड्यूस किया है, प्रीमियम इसमें दिया जाएगा 11.27%, यानी कि आपके एनिमल को जो आपका पशु है आपके, उसको बाघ खा जाता है या आसपास जो है कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, वो कहीं से गिर जाता है, तो उसमें बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका नाम नहीं है, जब भी नाम आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। आपके कोई और सवाल रहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड दिस इज आर मोबाइल एप्लीकेशन, यू कैन डाउनलोड इट एंड चेक आउट फॉर योर सेल्फ कि आपको कोर्सेज कैसे लगते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching.